Hello beautiful people, welcome to our channel Apoorva and Abhya. Please subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बड़ी ही स्पेशल और सुपर डुपर टेस्टी रेसिपी जो कि है गट्टे की सब्जी। आज तक आपने रेगुलर राजस्थानी गट्टे खाए होंगे लेकिन आज हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं कि आप ये वाली रेसिपी बना ली तो पुरानी वाली भूल जाओगे कसम से। तो चलते हैं फटाफट से वीडियो की तरफ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैंने 2 मीडियम प्याज और 2 मीडियम टमाटर को मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है और 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले आप पैन को हीट कर लें। 2 बड़े चम्मच ऑयल डालने के बाद यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच जीरा लिया है। अच्छे से सॉटे कर लें और उसके बाद पिसे हुए प्याज को भी आपको गोल्डन ब्राउन करना है। देखिए इस तरह से आप इन्हें गोल्डन ब्राउन कीजिए। जब इस तरह का कलर आ जाए और हमारे प्याज अच्छे से सॉटे हो जाएं तो आपको इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जिंजर और गार्लिक को कट करके भी डाल सकते हैं, इनको भी अच्छे से सॉटे कर लें। और जब ये सभी चीज़ें अच्छे से सॉटे हो जाएँ तो आप इसके अंदर टमाटर की जो प्योरी हमने बनाई थी उसको ऐड कर लीजिए। अच्छे से सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लें और जो हमारा मसाला है उसे पकने दें। जब इस तरह से हल्का बहुत तेल छोड़ने लगे तो आप इसके अंदर मसाले ऐड कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, और अच्छे से इन सभी मसालों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर अच्छे से मसाले को पका लेंगे और यहाँ पर हमारा जो मसाला है देखिए बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। अब अगली तैयारी करते हैं हम गट्टों को बनाने की। तो यहाँ पर आप एक बड़ी कढ़ाई को ले लें और उसके अंदर 2 से 3 ग्लास पानी को डालकर उबलने के लिए रख दें। जब तक पानी उबल रहा है तब तक हम गट्टों का जो आटा है उसको लगा लेते हैं। एक बड़ा बाउल ले लें और 2 कप यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। अब हम इसके अंदर मसालों को ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने यहाँ पर लिया है जीरा पाउडर, आधा ही चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच मैंने यहाँ लिया है आमचूर पाउडर और आधा चम्मच लिया है धनिया पाउडर। यहाँ पर आप नमक डालेंगे आधा, क्योंकि हमें जो ग्रेवी बनाएंगे उसमें भी डालना है, इसलिए हम थोड़ा सा यानी कि आधा चम्मच नमक डाल के और 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और हम अब इसको आटा को गूंद लेंगे। पहले सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आप सॉफ्ट डो तैयार कर लें। दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट और कितना परफेक्ट डो यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। उसके बाद अब हमें बहुत छोटे छोटे भाग लेकर हमें गट्टे की शेप देनी है। देखिए इस तरह से गट्टे की शेप होती है और आप भी इस तरह से गट्टे बना लें। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे गट्टे बना लिए हैं और अब हम इन्हें उबालेंगे। यहाँ पर पानी अच्छे से उबल चुका है और यहाँ पर आप देखेंगे जो झाग इस तरह से ऊपर आ जानी चाहिए तो आपके जो गट्टे हैं वो अच्छे से उबलेंगे। यहाँ पर गट्टे बहुत अच्छे से उबल चुके हैं और आपने पानी की क्वांटिटी आप देख रहे हैं आधा हो चुका है। और दोस्तों इस पानी को हम ग्रेवी के लिए आगे जाके यूज़ करेंगे। और यहाँ पर गट्टों को एक जगह निकाल लें। सेम कढ़ाई में आप 2 बड़े चम्मच ऑयल लीजिए और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर मैंने जीरा लिया है। अच्छे से जीरे को सॉटे करने के बाद यहाँ पर मैंने साबुत लाल मिर्च ली है। और दोस्तों यहाँ पर हमारी ट्रिक है गट्टों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और नए तरीके का बनाने की। तो यहाँ उसके बाद आप यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल लें और ये जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ इससे जो गट्टे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद बनेंगे। उसके बाद आप टमाटो की प्यूरी ले लें और यहाँ पर हींग ले लें थोड़ी सी। अच्छे से इस मसाले को मिक्स करें और 1 कप यहाँ पर मैंने दही लिया है। हम अच्छे से पूरे मसाले को मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरह का मसाला बनाएंगे तो दोस्तों जो आप गट्टे रेगुलर गट्टे बनाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और जो आपका मसाला जो आपने पहले बनाया था उस मसाले को इस ग्रेवी में ऐड कर लें।
और उसके बाद आप इसके अंदर गट्टों को डाल दें। अच्छे से इस मसाले को और गट्टों को अच्छे से पकने दें और 5 से 6 मिनट के बाद आप यहाँ पर जो पानी हमने बचाया था उस पानी को यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगी। और यहाँ पर मैं इस पूरी ओवरऑल सब्ज़ी को 5 से 6 मिनट के लिए उबलने के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए इस तरह से जब तेल ऊपर फ्लोट हो जाएगा तो आप समझ जाइएगा जो आपकी सब्ज़ी है वो परफेक्टली बन चुकी है और यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म गट्टे भी बनकर तैयार हैं। आखिर में आप इसके अंदर कसूरी मेथी और फ्रेश हरा धनिया ऐड कर दीजिएगा और गर्मा गर्म आप ये सुपर टेस्टी गट्टे सर्व कर सकते हैं। और आप देखना जैसे कि आप अब तक बनाते आए हैं या अब तक आपने ट्राई नहीं किया तो इस रेसिपी से आपको ये जो है वो बहुत न्यू फ्लेवर लगेगा और बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और हाँ एक चीज़ और, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलेगा। और ऐसी ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार रेसिपीज़ के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू गाइज़।